हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राउल्स लॉ बेस्ड पे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो राउल्स लॉ बेस्ड पे न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आइए इनको सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल, जितने भी आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं, सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है कि एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर इज 2985 न्यूटन मीटर इनवर्स टू इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट सेम टेम्परेचर कितना दिया गया 3000। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हमें क्या करना है, मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर देना है। ठीक है, अब रीड कर लिया उसके बाद में हमें क्या कर लेना है कि यहाँ पर क्या कर लेना है कि सबसे पहले जो डिजिट दी गई उनको नोट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले PO की वैल्यू की बात कर लेते हैं, P0। ठीक है, P0 दिया गया हमारा 3000 और दूसरे को इसको मान लेते हैं P। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं P दिया गया हमारा कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2985। ठीक, आगे देख लेते हैं, स्मॉल W की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना दिया गया है 5 ग्राम और कैपिटल W की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 100 ग्राम दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और कैपिटल m यहाँ पर वाटर का मास हो जाएगा, मॉलिकुलर मास हो जाएगा 18। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या कर लिया कि क्वेश्चन में सबसे पहले हमने डिजिट नोट कर ली। अब फार्मूला नोट कर लेते हैं, फार्मूला P0 - P / P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w कैपिटल m, ठीक है, और कैपिटल W स्मॉल m, स्मॉल m निकालना है हमें, ये क्या निकालना है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो P0 कितना दिया गया है 3000 - 2985 अपॉन P0 की वैल्यू 3000। यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। अब स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई यहां पर 5 ग्राम, कैपिटल एम वाटर का मॉलिकुलर मास 18 रख देंगे यहां पर अपॉन में, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया, तो ये 100 दिया गया है 100। ठीक, और हमें क्या निकालना है, स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां पर कितना बचेगा देख लीजिएगा, ब्लैक पेन से कर लेते हैं, इधर बचेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां बचेगा 15 बचा, नीचे 3000 इज इक्वल टू, अब देखिएगा इधर कितना बचेगा, तो इधर 18 इंटू 5 या 5 इंटू 18 अपॉन में 100 एम। ठीक, 15 टू जा ये चला गया। ठीक, अब देख लेते हैं आगे, इधर देख लेते हैं, अब देखो यहां पर कितना बचा 1/200, कितना बचा उधर 18 5 जा 19, इधर कितना बचा, यहां पर बचा 100 और इधर m। ठीक, इतना हो गया, यहां देखिए 10 कट रहा, बिल्कुल कट रहा, ठीक है, और 10 ये कटा, 10 ये कटा। ठीक, अब हम m इधर लाएंगे, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 180। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूट का जो मॉलिकुलर मास कितना आया 180 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपली वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को रीड करें। ठीक है, रीड करने के बाद में आप वैल्यू यहां पर लिख लें, ठीक है, जो जो वैल्यू दी गई उन जिनकी वैल्यू दी जाए वो नोट कर लें और फिर फार्मूला रख दें, आप आराम से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया गया है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 200 ग्राम वाटर इज 2980। और इधर देखिए, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर सेम टेम्परेचर 4000, ठीक है, तो कैलकुलेट द यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए देख रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया, अब रीड करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। वैल्यू नोट करेंगे तो सबसे पहले PO की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4000, ठीक। दूसरा देखते हैं P की वैल्यू, हमने इसको P मान लिया। अब यहां पर 2980, ठीक है, 2980 हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहां पर, अब आगे देख लेते हैं यहां पर स्मॉल डब्ल्यू कितना गिवन है हमें, तो स्मॉल डब्ल्यू आपको गिवन है यहां पर 10 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू आपको दिया गया 200 ग्राम। इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमने नोट कर ली, फार्मूला हम लगा लेंगे पी नॉट पी अपॉन में पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम। अब कैपिटल एम यहां पर वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व है। अब यहां पर क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एम, और हमें क्या करना है इसी स्मॉल एम की वैल्यू निकालना है। हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, सबसे पी नॉट की वैल्यू की बात करते हैं तो 4000 माइनस 2980 अपॉन में 4000, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया गया, 10 ग्राम दिया गया, ठीक है, 10 ग्राम इंटू 80, और यहां पर कैपिटल डब्ल्यू हमारा 200 गिवन है हमें इंटू स्मॉल एम, ठीक है। तो यहां पर हम इसको लेस कर लेते हैं, देखो 4000 में से 2980 इसको लेस कर देंगे, जीरो कैरी लिया, दो बच जाएगा यहां पर, ठीक है। और यहां पर कितना है, 9 चला गया यहां पर, और यहां पर कितना, 3 में से 2 चला है 1, ठीक है। कितना बचा है, 1020। एक मिनट सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। इधर बचेगा 1020 अपॉन में 4000, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, जीरो से जीरो कट गया, 18 अपॉन 20m, ठीक, यहां तक सॉल्व हो गया। अब देखो आगे सॉल्व कर रहे हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इधर देखो कैसे करेंगे, इधर 20m इंटू 1020 इज इक्वल टू कितना दिया गया, 18 इंटू 4000, ठीक, यहां तक हो गया। हमें m की वैल्यू निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 4000 अपॉन 20 इंटू 1020, ठीक, ये हो गया। अब ऊपर नीचे जीरो कट कर लेते, एक ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर कितना बचा, 18 इंटू 40 अपॉन में, इधर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो, और इधर हो जाएगा ये 2, कितना होगा, आगे सॉल्व कर लेते हैं हम इक्वल टू, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर देखो सबसे पहले 2 से देखो डिविजिबल हो रहा है, ये 1 0 2 हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, और देखो कट रहा है ये 10 हो जाएगा, यहां पर 51 हो जाएगा, तो कितना हो गया ऊपर, 180 अपॉन में कितना आ गया, 51 आ गया, ठीक है, कितना आ गया। अब देखो यहां पर 180 और इधर 51, ठीक, इसको डिवाइड करते, तो देखो 3 बार में चला जाएगा, 3 1 3 और 5 3 15, यहाँ पर 7 बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, 7 बचा, यहाँ पर 2, ठीक है, ये हो गया, और इधर कुछ नहीं बचेगा,
ठीक। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट लगा लेंगे और इधर हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब जीरो बढ़ाएंगे तो यहां पर देखो कितने टाइम में जा रहा है, फाइव टाइम में, तो कितना हो जाएगा, फाइव पंजा फाइव, फाइव फाइव जा 25, ये हो गया। अब फाइव हो गया, यहां से कैरी लिया, यहां फाइव बचा, ठीक है। और यहां कितना बचेगा, यहां सिक्स वन बच जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, इसको और भी आगे ले जा सकते हैं, लेकिन m इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 3.5, और यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। यहां पर क्या क्या गिवन है, गिवन है 18 ग्राम नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट और m इक्वल टू 180 दिया गया है, वर डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो भी डिग्री सेल्सियस दिया गया है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 17.535 मिलीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर वैल्यू की नोट करते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर दे दिया गया 18 ग्राम, ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू बराबर दिया गया है हमारा 100, ठीक है, 100 ग्राम, ठीक। दो चीजें हमें पता चल गई, आगे देख लेते हैं। कैपिटल एम हमारा कितना हो जाएगा भाई, वाटर का मॉलिक्यूलर मास रखते हैं यहाँ पर 18, ठीक, और स्मॉल डब्ल्यू, यहां पर स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट हमारा दे दिया गया 180, ठीक। हम आगे चलते हैं, पीओ यानी हमें गिवन क्या दिया गया, तो इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हमें दिया गया है 17.535, और हमसे पूछे कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं पीएस सॉल्यूशन से, ठीक है। तो यहां पर पीएस हमें निकालना है, ठीक। यहां तक हमने सबसे पहले क्या किया, डिजिट को नोट कर लिया, आगे देखो अब फार्मूला लगाएंगे हम लोग, पीओ माइनस पीएस अपॉन पीएस इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, ठीक। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, पीओ की वैल्यू हमें पता है 17.535 गिवन है ये वैल्यू, ठीक है, और हमें पीएस निकालना है, पीएस अपॉन पीएस, ठीक। आगे ये स्मॉल डब्ल्यू 18 ग्राम हमें पता है, कैपिटल डब्ल्यू सॉरी कैपिटल एम 18 मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यहां पर देख लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दे दी गई हमें 100 इनटू और स्मॉल एम 100, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे देखो हम यहां से इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते थे, कर देते थे, यहां पे 18 और ये 18 कट गया, ठीक। तो देखो कितना बचा यहां पर 17.535 माइनस पीएस अपॉन में PS इक्वल टू 18 अपॉन 1000, ठीक है, 18 अपॉन 1000 बचा, ठीक। यहां तक हो गया, अब हम देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। पहले 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको यहां नीचे पर नोट कर लेते हैं, ठीक, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.535 इंटू 1000 माइनस 1000 पीएस इक्वल टू, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 पीएस, यहां तक समझ में। अब देखिए यहां पर तीन ये जीरो लगा हुआ है, यहां पर तीन जीरो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तीन नंबर के बाद पॉइंट लगा तो हम इसको हटा सकते हैं और ये जीरो कैंसिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिलेट कर सकते हैं। आगे देख लीजिएगा, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब ये वैल्यू हो गई हमारी
17535 ये वैल्यू होगी, और -1000 PS, ठीक। उधर कितना है इक्वल टू 18 PS, ठीक। अब 17535 इसको हम उधर भेज देंगे तो 1000 PS और प्लस का 18 PS, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, देखो 1000 और 18 PS जोड़ दोगे यहां पर 8101 इतना आ जाएगा, ठीक है। ठीक, देखो 17535 इज इक्वल टू 1018 PS, ठीक। अब देखो PS की वैल्यू निकालना था हमें, PS की वैल्यू निकाल ले तो ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 17535 अपॉन में कितना आ जाएगा 1018 इक्वल टू PS, ठीक है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे आप तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 17.2 PS, ठीक। और भी पॉइंट में जा सकता है लेकिन यहां तक आ जाएगा, इसको और भी पॉइंट में मतलब और करेंगे तो और भी आगे पॉइंट की बात जीत बढ़ेगी। तो PS की वैल्यू कितनी आ गई 17.2, और ये क्या था हमारा, वो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यही हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था। और इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया।